फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था, माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती। फरमाते मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूँ तो जरूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूँ। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं, मेरी कुछ शर्तें। मैंने कहा बताओ। कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में कर दिया। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं, वो चाय पीने जाएं तो 1.5 घंटा, वहां उनको भी तो ध्यानदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ने मुआहदा किया है ना जी तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रस्ते में, तो अजान हो गई जोर की, उसने वहीं कुदाल छोड़ी कही और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगा चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूँ। कहते मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोजा रखा, रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए, तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूँ। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया, मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई साथ चल। फरमाते हैं काम कराया, 2-3 हफ्ते वो आता रहा। एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहाँ घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है। फरमाते मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं? दरवाजा खोला है आ जाइए। फरमाते मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेज बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले, कहने लगा ये पैसे रख ले। एक अंगूठी निकाली, कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है पर वो आपको टाइम नहीं देगा, आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दें, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम? और कहने लगा हुजूर वक़्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर देने। फरमाते हैं मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी, जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका।
इंतकाल हो चुका है, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो दो आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां कहां से, अखां जदो मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते मैं तो दो बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई, जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी ये अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है। मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था। तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर। कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं, हम सब। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना, बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आ, ओए दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर, उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा, उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत तू सुते रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल।